Today we shall see the magnetic effect, the magnetic force on a current carrying conductor. बहुत ही important article है, बहुत ही interesting article है. चलिए देखते हैं. Magnetic force on a current element. Current element. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं व्हाट इज ए करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट इज आइडियल स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर. और पहले भी मैं ये भी बता चुका हूं जो आइडियल है करंट एलिमेंट इट इज नथिंग अदर देन क्यूवी. ये भी देखें और हमें ये भी मालूम है द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्यूवी क्रॉस बी. हाँ, इतना सारा जानकारी के साथ हम फोर्स ऑन करंट एलिमेंट आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे. पॉइंट नंबर वन में शायद अभी आप बता सकते हो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय The force experienced by a small current element in a magnetic field is given by F is equal to. क्या कोई मुझे मदद कर सकता है. मैं अभी तक लॉ नहीं बताया हूं लेकिन ये एनालॉजी सब बताया. आईडी दिस एम एस क्यू भी फोर्स इज क्यू भी क्रॉस बी. तो यहां पर फोर्स क्या होना चाहिए आपको लग रहा है. क्यू भी के जगह आइडियल, सिंपली आइडियल क्रॉस बी. ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स. और अगर आप फोर्स को मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखोगे इट विल बी बी आई डी एल साइन थीटा. थीटा क्या है, ऑब्वियसली एंगल बिटवीन बी एंड आइडियल. ये है मतलब अगर हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और यहां पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ऐसा है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा, बी आइडियल साइन थीटा. सो सिंपल थिंग. क्या चीजें सबको समझ में आया. यस सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेट अस. नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डायरेक्शन ऑफ एफ. और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ एफ विल बी परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड परपेंडिकुलर टू बी, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड बी. डायरेक्शन ऑफ एफ इज perpendicular to plane of ideal and B. अच्छा, ये perpendicular to plane of ideal and B. Exact direction is given by right hand palm rule. राइट हैंड पाम रूल याद करो क्या था. मूविंग चार्ज के लिए विद द फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, देन द फोर्स वाज कमिंग आउट लाइक दिस, पुशिंग फोर्स था, है ना. तो यहां पर अभी क्या होना चाहिए, इसके लिए फिंगर्स इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेटिंग द करंट एलिमेंट. क्यूवी की जगह आइडियल आ गया और क्या, और कोई बड़ी चीज नहीं. पाम रूल वेयर थंब इंडिकेट्स direction of ideal, fingers indicate direction of B and
force is coming out from palm. From palm. कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है इसमें, जो आपको मालूम था हुई है, बस आपको राइट हैंड पाम रूल यूज करते वक्त क्यूबी के डायरेक्शन में रखना है. किसको? आइडियल. क्यूबी के डायरेक्शन में आइडियल को रखना है. जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पे सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हियर इज ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर, यू कॉल इट आइडियल. क्या बता सकते हो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? सो बी इज इनवर्ड, करंट इज गोइंग अपवर्ड, फोर्स विल बी लाइक दिस, मींस फोर्स विल बी लाइक दिस. बस ये छोटा सा एग्जांपल आपको काफी है समझाना हर एक केस में. तो कौन सा केस में करंट एलिमेंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, कौन सा केस में फोर्स नहीं आएगा? हम जानते हैं जो फोर्स था इट वॉज बी आईडीएल साइन थीटा, थीटा वॉज The angle between B and IDL. अगर B और IDL same direction में हुए तो sin theta will be zero. कौन सा केस में फोर्स मैक्सिमम आएगा? When IDL is perpendicular to B. ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा हम देखेंगे, ये चीज को हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे. Let us. तो यहां से हमें conclusion क्या मिला? When IDL is parallel to B, rather I should write collinear to B, means it may be parallel, may be anti-parallel, but you understand, IDL is parallel to B, it, no force is experienced by it. Why? Because sin theta is 0 for theta is equal to 0 or pi. अगर 0 और pi के लिए देखेंगे, theta का value 0 और pi हुआ, sin theta 0 होता है. दूसरा हुआ, the magnetic force is maximum when IDL is perpendicular to B. तो कोई एक small current element को किसी magnetic field में छोड़ देंगे, minimum force क्या होगा? Zero. Maximum force क्या होगा? B IDL, है ना? Sin theta will be one. छोटे-छोटे question पूछते हैं और बच्चे वहीं पे पहुंच जाते हैं. So when IDL is perpendicular to B, so F का maximum value कितना हुआ? B I D L sin 90, that is B I D L. Unit क्या होगा? Newton. बड़ा interesting चीज देखो, ये B is in Tesla, I is in ampere, D is in meter, the product is in Newton. तो आपको dimension निकालने के लिए कहा जाएगा, किसी भी केस में आप कोई भी formula लगा के निकाल सकते हो. B का कोई पूछेगा what is the dimension, B का dimension हो गया force by ampere meter, Newton per ampere meter. टेस्ला है जो डायमेंशन सेम है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लाइक दैट. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए. अच्छा, कोई अगर छोटा सा एलिमेंट हुआ करंट एलिमेंट, तो हम इसके ऊपर फोर्स निकालना जानते हैं. नाउ सपोज हमें पूछा गया कि ये कोई एक वायर है, बताओ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स आएगा. एंड यू नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक छोटे छोटे सेगमेंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद सारा फोर्स को वेक्टोरियली जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा नेट फोर्स. कैसे करेंगे? सपोजिंग लेट अस गिव इट हेडिंग, फोर्स ऑन ए बेंट कंडक्टर, फोर्स ऑन ए बेंट कंडक्टर. सपोजिंग मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई ऐसा शेप का एक वायर लेता हूं जिसमें आई करंट जा रहा है, और सपोज यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है मैं निकालना चाहता हूं. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस वायर ए बी? समझ में आया क्या?
ये वायर के ऊपर नेट फोर्स हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा वायर के ऊपर फोर्स निकालने का तरीका हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम है कि छोटा सा टुकड़े के ऊपर कैसे निकालते हैं, एक करंट एलिमेंट के ऊपर कैसे निकालते हैं। आई कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वन, फोर्स ऑन ए बेंड कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब V का वैल्यू हर जगह बराबर है। अब आइडियल वन के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, आइडियल टू के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर इज आइडियल वन क्रॉस B प्लस आइडियल टू क्रॉस B। तो ऑब्वियसली यहां पर B का मैं डायरेक्शन ऐसे ले दिया हूं, बोल के आप सोच रहे होगे, सपोज मैं B का डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूं, नाउ दिस इज B। नाउ फॉर इच स्मॉल सेगमेंट DL B के साथ एंगल अलग अलग बनेगा, ये कुछ अलग एंगल कर रहा है, ये कुछ अलग एंगल कर रहा है, ये कुछ अलग अलग एंगल कर रहा है ना। तो हमें सबका थीटा भी पता करना पड़ेगा और सबका ये वेक्टर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स वेक्टर्स, और ये सारे को जोड़ना पड़ेगा। थीटा निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, हर सेक्शन के साथ बी कितना एंगल कर रहा है ये निकालना मुश्किल है। तो देखो हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आई राइट आइडियल वन क्रॉस बी, आइडियल टू क्रॉस बी, बी इज सेम एवरीवेयर, आई इज ऑल्सो सेम बट आइडियल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहां से आई में कॉमन ले सकता हूं, अंदर रह गया डीएल वन क्रॉस बी प्लस डीएल टू क्रॉस बी लाइक दिस, ठीक है। अब इसको फर्दर में ऐसे भी लिख सकता हूं, आई गोज कॉमन डीएल वन प्लस डीएल टू प्लस गो रीडिंग होल क्रॉस बी। क्या फोर्स का ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है? So the force is coming out to be I into DL1 plus DL2 plus DL3 plus सारे क्लिनिकल और DL1 DL2 क्या है? छोटे-छोटे वेक्टर्स हैं। DL1 DL2 are small vectors, ठीक है। थोड़ा रियलिटी में वापस आते हैं और देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ। Let me show you what we are doing here exactly। ये केस में ये थोड़ा जगह बनाते हैं तो मैं आपको समझा पाऊँ। Yes, ये हो गई हमारा अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग फोर्स। और ये जो फोर्स में कहां से स्टार्ट किया, कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया आइडियल, वहीं से स्टार्ट किया। देखिए ये जो डीएल वन है एक वेक्टर है, ये जिसका डायरेक्शन है डीएल वन, सोचो कि डीएल वन इज ए वेक्टर लाइक दिस, डीएल वन इज ए वेक्टर लाइक दिस, डीएल टू इज ए वेक्टर लाइक दिस, DL3, DL4, DL5, अगर इतने सारे वेक्टर को जोड़ेंगे, यू नो पॉलीगन लॉ, व्हाट विल द रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? पॉलीगन लॉ क्या कहता है? व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग द कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब अगर ये DL1, DL2, DL3, DL4 हुआ, सबको जोड़ो तो ये मिलेगा एक वेक्टर, है ना। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, ये DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6 सबको जोड़ते जाएंगे क्या मिलेगा? Obviously एक वेक्टर मिलेगा ऐसे, you call it IL equivalent, get a vector IL equivalent। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, yes। तो हम इसको फर्दर लिखेंगे आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस बी। तो कोई भी अगर बेंड वायर के ऊपर हमें फोर्स निकालना है तो सीधा वी फाइंड आउट आई एल इक्विवेलेंट फॉर फोर्स निकालना है। देखो ये फोर्स निकालने के लिए हर जगह नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए लेके मैग्नेटिक फील्ड निकाले, नहीं नहीं नहीं, ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स की फॉर्मूला से ये रिवील हो रहा है विच आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस बी। समझ में आया क्या? अच्छा, इससे हमें और दो चीज समझ में आ रहे हैं। क्या क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? पहला चीज तो समझ में ये आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हम कहेंगे ये कोई एक करंट कैरिंग वायर है
और इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको एक इक्विवेलेंट आई एल इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अगर ये बी है, ये आई एल इक्विवेलेंट है, तो हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया, आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी आई एल इक्विवेलेंट साइन थीटा। थीटा क्या था, इन दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल थीटा था। सोचो ये फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूं, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी, बी का डायरेक्शन, ये हो गया आई एल इक्विवेलेंट, एंगल थीटा है। अच्छा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आई एल इक्विवेलेंट परपेंडिकुलर टू बी, व्हाट इज दिस कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, दिस हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट अलोंग दिस, ए कंपोनेंट लाइक दिस, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट अलोंग दिस देयर इज नो फोर्स ऑन द करंट एलिमेंट, है कि नहीं, व्हेन द करंट एलिमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अभी थोड़ी देर पहले देखे ना, व्हेन द करंट एलिमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ओह सॉरी यहां पे आया, हां व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। तो हम देख रहे हैं यहां पे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, करंट एलिमेंट आ रहा है, इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट लाइक दिस एंड ए कंपोनेंट लाइक दिस, दिस कंपोनेंट इज आई एल इक्विवेलेंट, क्योंकि वेक्टर है, आई एल इक्विवेलेंट कॉस थीटा, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस कंपोनेंट, जीरो, व्हाट इज दिस कंपोनेंट, आई एल इक्विवेलेंट साइन थीटा, द फोर्स ऑन दिस इज ओनली एग्जिस्टिंग, समझ में आया क्या। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये जो आई एल इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट साइन थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू बी, समझ में आ रहा है क्या। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूंगा कि द फोर्स इज इक्वल टू डी आई इंटू एल, कि एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू, लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू बी, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए बेंट कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा, है ना, बी आई एल साइन थीटा, तो आपको हो गया बी आई एल साइन थीटा, और यू से इट इज बी आई एल, फिर व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू बी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ छोटा सा चीज बता सकता हूं, जैसे अगर आप ध्यान दोगे, कोई पूछेगा कि यहां पे कोई एक ऐसा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, चलो मानते हैं कि ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, एंड सपोज आई से हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड B1, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड B, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, आपको देखना है कि कंडक्टर का क्या लेंथ इसको परपेंडिकुलर है, क्या लेंथ परपेंडिकुलर है, ओनली L1, L2 इज पैरेलल, नहीं तो आप कहेंगे फोर्स कितना हो जाएगा, आंख बंद करके बी आई एल वन लिख सकते हैं, हम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पता करना है, हाँ तो फील्ड ऐसा है, करंट नीचे जा रहा है, फोर्स विल बी आउटवर्ड्स, द फोर्स विल बी आउटवर्ड्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट, आई एम इंटरेस्टेड अबाउट द मैग्नीट्यूड व्हिच इज बी आई एल वन। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होने की बजाय कुछ ऐसे होता तो क्या होता, फोर्स कोई बता पाएगा क्या, बी आई एल टू, the length perpendicular to magnetic field, very good, तो ध्यान रखना है कि F is equal to IL equivalent cross B से reduce करके हम लोग इसमें आके पहुंच गए। यहाँ पे और एक चीज छुपा हुआ नजर आता है, वो ये है, अभी अभी तो हम देखे कि किसी एक bent wire के ऊपर जब हम force निकाल रहे हैं तो what we are doing, we are going for the closing side, लेकिन सोचो कोई bent wire अगर कहेंगे बेंड होते 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 पूरा क्लोज हो गया,
Now what will be DL1 plus DL2 plus DL3 all these को जोड़ेंगे तो क्या होगा? Obviously zero, जहां से गए थे वहीं पे वापस आ गए। अगर जीरो नहीं होता तो एक क्लोजिंग साइड मिलता। अगर ये सारा वेक्टर को जोड़ेंगे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, व्हाट इज द रिजल्टेंट? दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज पॉलीगन, रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो सेम वे हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो लिखेंगे फॉर ए क्लोज करंट कैरिंग क्लोज, ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग क्लोज लूप, फॉर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप हम लिख सकते हैं, फॉर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 अगर सारे को जोड़ेंगे होता है जीरो। सो नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जीरो। तो हम बता रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, चाहे वो क्लोज लूप किसी भी शेप का हो, कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। IDL1, IDL2 अगर सबको जोड़ते हुए जाएंगे रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी जीरो। क्या ये चीजें समझ में आया? कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नेट फोर्स विल बी जीरो। रिमेंबर द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रहेगा तभी ना बी कॉमन जाएगा, नहीं तो बी कॉमन तो नहीं जाएगा डिरेक्शन में। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस। नाउ लेट अस सी ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फोर्स बिटवीन टू parallel current carrying conductors, current carrying conductor, ठीक है। सपोज हमारे पास दो ठो parallel current carrying conductor है, हो सकता है कि they are taking current in same direction और opposite direction, चलो same direction लेके कहते हैं, ऑपोजिट होने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, उसी से ही समझ में आ जाएगा। टू पैरेलल कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी, नॉट नेसेसरी ए स्मॉल डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस डी। हमें पता ये करना है कि इनके बीच में जो फोर्स आएगा, फोर्स का नेचर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, है ना, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड देखना है। पहले नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर वन आई वांट टू सी। देखो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है I2, क्या इसके खुद के चलते खुद के ऊपर कोई फोर्स आएगा? देखते हैं। ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर कुछ इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं। सपोज कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके चलते हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? जीरो। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज जीरो, है ना। अच्छा तो ये जो कंडक्टर है जो करंट जा रहा है, क्या ये अपना मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई फोर्स पाएगा? नहीं पाएगा। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई फोर्स नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये हुआ कि सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं होता, कोई बेंड कंडक्टर होता, सोचो क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, यहाँ पे ये वाला करंट एलिमेंट के लिए नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट के लिए कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा?
ड्यू टू ऑल सॉर्ट्स स्मॉल एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ करंट बनने वाला है। कैसे बनने वाला है सोचो, तो करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो फील्ड इधर से घुस रहा है। मतलब अगर हम इस करंट एलिमेंट की बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे, तो ये एलिमेंट के लिए यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होने वाला है कि नहीं? तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होने वाला है, और यहाँ पर करंट कैसा है, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व, फोर्स कैसे आएगा, इधर को आएगा। सो दिस एलिमेंट विल एक्सपीरियंस से फोर्स लाइक दिस। कहने का मतलब हुआ कि बेंट वायर में जब करंट जा रहा है, करंट जाएगा तो उसको सीधा करने की कोशिश करेगा। फिर अगर करंट पासेस थ्रू ए बेंट वायर, तो उसको क्या करता है, स्ट्रेटन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर में कॉइल को वुंड करते हैं तो टॉर्क्स हो गया ना, डिफरेंट टॉर्क्स, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि वो खुद अगर खुलने की कोशिश करेंगे तो सारे वायर टूट जाएगा। और ट्रांसफार्मर का जो वायर्स होते हैं, जानते हो कितना स्ट्रांग होते हैं, जो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो वायर को देखोगे तो आप बोलोगे कि ये प्लेट्स है नॉट वायर। जैसे कि मान लो कि आप जो बेल्ट लगाते हो, दो तीन ठो बेल्ट को एक साथ पकड़ लो, कितना थिक का हो जाएगा, उतना मोटा वायर रहेगा, उसी को वाइंड करके बेल्ट जैसा चीज रहेंगे। वो टूट जाता है जब करंट फ्लो करता है, इतना जोर से रिपल्सिव फोर्स होता है कि वो टूट जाता है। इसलिए क्या करते हैं, उसको बाइंडिंग करने के बाद उसके ऊपर जूट से बहुत जोर से बांध देते हैं, जूट एक इंसुलेटर, ताकि उसको एक्सपांड करने ना दे, टू गिव इट मैकेनिकल सपोर्ट। और आपके घर में जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज करते हो अडैप्टर वगैरह में, उसके ऊपर भी टैप्स वगैरह इतना जोर से लगा रहता है कि वो एक्सपांड नहीं कर पाएगा। टैप निकाल के ऑन करोगे, जैसे करंट फ्लो करेगा वो एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, सारा वायर टूट जाएगा खुद ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू ए बेंट वायर, द वायर विल ट्राई टू स्ट्रेटन दिस वन। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? और नहीं आया तो थोड़ा बढ़िया से देखो। मैं मान लो कि ये एक वायर है, यहाँ पे कुछ एक करंट एलिमेंट को देखो, इस करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर चलो करंट एलिमेंट का डिरेक्शन ही उल्टा कर देते हैं, तो आपको समझाने में मुझे आसान हो जाएगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ से करंट जा रहा है, और आप देखो कि यहाँ पे कोई एक करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। देखो तो ये करंट एलिमेंट ऐसा है, मतलब बाय फिक्स्ड रूल ये फिंगर इधर से घुस रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, और ये जो आपका पॉइंट है आप देख रहे हो, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक, ये लाइन का इधर हर जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रहा है, आउटवर्ड्स, इधर कैसे मिल रहा है, इनवर्ड्स। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, एंड करंट एलिमेंट इज करंट टेकिंग ए करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाउ विल द फोर्स लाइक दिस, फोर्स विल बी लाइक दिस। तो सोचो तो इस वायर को कोई इधर खींचेगा, इस वायर को कोई इधर खींचेगा, तो वो वायर क्या होगा, सीधे होने की कोशिश करेगा। ठीक है, बुक में आपका बेंट वायर के सेल्फ फोर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मैं खाली आपको बता दें बुक में क्या लिखा है, ड्यू टू ओनली स्ट्रेट कंडक्टर्स। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में अगर ये स्ट्रेट वायर है, कोई भी छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए अलोंग दिस वायर एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड खुद का मैग्नेटिक फील्ड के चलते कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, कौन, स्ट्रेट वायर। बेंट वायर खुद का मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गया तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर वन। तो अगर हम कहेंगे ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम अगर पॉइंट पी कहेंगे, ये पॉइंट पी को कहेंगे, तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू आई वन और आई टू, ड्यू टू किसके लिए होगा बताइए, ड्यू टू ये टू आई टू है, ये आई वन है। पी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होगा, आई वन के लिए कि आई टू के लिए कि दोनों के लिए, आई वन के लिए होगा, ओनली आई वन के लिए होगा, क्योंकि इसके लिए तो खुद जीरो है, इसके लिए अंदर की तरफ हो रहा है, ओनली ड्यू टू आई वन। समझ में आ गया? अच्छा, ये हो, अगर ये बात है तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी, आप जानते हो ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आई वन बाय टू पाई डी,
और ये किस डायरेक्शन में होगा? एज पर द डायरेक्शन गिवन इट विल बी इनवर्ड. तो यहां पे जो मेड फील्ड बना म्यू आई वन बाय टू बाई डी. ठीक है, कंसिडरिंग ए स्मॉल करंट एलिमेंट current element or small length, ऐसे लिखो ना, considering a small length L on conductor I2 conductor के ऊपर अगर हम छोटा सा एक लेंथ लेते हैं, तो I2 के ऊपर एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, ये small length L लेते हैं, तो कैसे फोर्स आएगा? देखो तो I2 तो ऐसे जा रहा है और पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स कैसे होगा? फोर्स इज टुवर्ड्स I1. द फोर्स इज टुवर्ड्स I1. द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स I1 की तरफ मैग्नेटिक फोर्स होता है. ठीक है, दस व्हेन करेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, ये याद रखना है, करेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फोर्स is attractive. Magnetic force is attractive. समझ में आया? Similarly, when the currents are in opposite direction, when currents are in opposite direction, बस यही सबसे ज्यादा important है. Opposite direction, the magnetic force is repulsive. हमें सारा चीज पिक्चर के थ्रू से जल्दी याद रहता है. आप ऐसे ऐसे फिगर बना सकते हो, फोर्सेस आर लुकिंग लाइक दिस, और आप ऐसे कर सकते हो, फोर्सेस आर लुकिंग लाइक दिस. सो व्हेन द करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स इज रिपल्सिव, करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन फोर्स इज अट्रैक्टिव. ठीक है, कभी कभार क्या अक्सर ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग के साथ ये जनरल है कि लाइक चार्जेस रिपिल, तो सेम करेंट्स विल रिपिल, ऐसे आ जाता है. ध्यान रहे उल्टा है, लाइक चार्जेस रिपिल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक करेंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करेंट्स रिपिल. समझ में आ रहा है क्या? ऑपोजिट करेंट होने से रिपिल करते हैं. तो ये हुआ पहला चीज समझ में आया. अब मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बात चल रहा था स्ट्रीट कंडक्टर का, और इसमें I1 करंट जा रहा था, इसमें I2 करंट जा रहा था, हम L लेंथ पे क्या फोर्स आ रहा है निकालना चाहते हैं, और P पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम है. हम कहेंगे P एट पॉइंट P, अभी देखे थे B1 बाय 2 पाई D, D वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, यही तो था. देखो it was mu I1 by 2 pi d, inward था. ठीक है, it was inward. Now if force on L length, ये length कितना है? ये length कितना है? Length is L. L length of I2 is equal to, क्या formula था? ये formula you know, क्या होता है? BI2L sin थीटा. क्या यहाँ पे थीटा क्या है, कोई मुझे बताएगा? कैसा है बी यहाँ पे? हाउ इज बी? बी इज इनवर्ड, पी पॉइंट में बी इज इनवर्ड, और करंट कैसा है? ऐसा है. तो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? यस, एंगल बिटवीन बी एंड I2L इज 90 डिग्री. सो थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी
बी आई टू एल ये साइन थीटा वन हो गया, बी का वैल्यू था म्यू आई वन बाय टू पाई डी ऊपर आ गया और एक आई टू और एक एल दिस मच न्यूटन। सपोज ऑन एलिमीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज म्यू आई वन आई टू एल बाय टू पाई डी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जैसे हमें ये चीज समझ में आ गया, हम यहाँ पर फोर्स को ऐसे लिखते हैं, अगर हम कहेंगे एल मीटर लेंथ के ऊपर ये फोर्स आ रहा है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ए बाई एल, कितना आएगा म्यू आई वन आई टू बाय टू बाय डी न्यूटन पर मीटर। ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है फॉर डिलीवरी द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे करके पूछेंगे। और हम देखें कि व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स इज अट्रैक्टिव, करंट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज रिपल्सिव, एंड व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ यू सी इज म्यू आई वन आई टू बाय टू पाई डी। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, क्योंकि जब हम ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है उनको एब्सोल्यूट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स ठीक है समझाया जाता है। हाउ यू डिफाइन वन एम्पियर, कोई अगर आपको पूछेगा डिफाइन वन एम्पियर तो आप क्या कहो? यूजुअल पीपल से व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए वायर इन 1 सेकंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। नो, दैट इज नॉट द राइट डेफिनेशन। और वैसे भी 1 कूलम इज ए ह्यूज चार्ज, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू अंडरस्टैंड। देन हाउ यू डिफाइन 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? सोचो हमारे पास अगर दो वायर है, दोनों में 1 एम्पियर करंट जा रहे हैं, ठीक है, दोनों में करंट जा रहे हैं 1 एम्पियर, तो उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो कितना आएगा? देखो अभी अभी तो हम लोग देखे क्या देखे, हम लोग देखे कि यहाँ पर जो हमारा फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है म्यू आई वन आई टू बाय टू बाय डी। सपोज दो वायर के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर और से आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू 1 एम्पियर, डी इज इक्वल टू 1 मीटर, तो फिर एफ बाई एल क्या हो गया, इट इज म्यू बाय टू पाई न्यूटन पर मीटर। 1 एम्पियर करंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर वो करंट है जब वो दो वायर में जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर रहेगा तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा दैट विल बी म्यू बाय टू पाई न्यूटन पर मीटर लेंथ, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, अभी तो आपका सब्जेक्टिव आएगा, क्या मालूम ये भी पूछ सकते हैं, ये 1 एम्पियर ऑफ करंट के मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, यहाँ पे लिखेंगे राइट 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दैट करेंट which when passes through two wires, two straight wires separated by 1 meter, cause them to experience a force of mu by 2 pi newtons per meter length over every 1 meter length, the force between them will be mu by 2 pi newtons। समझ में आया? ठीक है,
तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग देख लिए। और करंट कैरिंग क्लोज लूप के ऊपर जो करंट का फॉर्मूला आ रहा है वो भी देख लिए। सीधी सोचते हैं कि हाउ इज द इफेक्ट ऑफ द करंट व्हेन इट पासेस थ्रू ए सोलेनोइड। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, दे विल नॉट आस्क यू द लॉजिक, खाली पूछेंगे। और इंटरेस्टिंगली जेई में भी आ चुका है, सिंपल सा क्रिटिकल कंसेप्ट है। तो व्हेन ए करंट पासेस थ्रू, करंट थ्रू ए सोलेनोइड, जब किसी एक सोलेनोइड के अंदर से करंट जा रहा है, सोचो कि किसी एक सोलेनोइड के अंदर से करंट जा रहा है। मान लो कि ये कोई एक सोलेनोइड है, ऐसे आया ऐसे करके, यू नो सोलेनोइड इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर हम कहेंगे इस सोलेनोइड में यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे, यू नो दीज टॉर्स आर ऑल क्लोज टू ईच अदर। सोचो कि माई फिंगर्स आर द डिफरेंट टॉर्स, ये एक टॉर्न है, इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है तो दूसरे में भी ऐसे ही जा रहा है, तीसरे में भी ऐसे जा रहा है। नाउ दे आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट और रिपेल, सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट और, तो ये सब क्या होंगे टॉर्न्स, दे विल बी कमिंग क्लोज, ऐसे पिक हो जाएंगे। सो व्हेन ए करंट पासेस थ्रू ए सोलेनोइड इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स लेंथ, बोर्ड में भी आया है, हर एक एग्जाम में आया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 एज टर्म्स कैरी करेंट इन सेम डिरेक्शन, कैरी करेंट इन सेम डिरेक्शन, सेम डिरेक्शन, दे अट्रैक्ट इच अदर, एंड लेंथ ऑफ सोलेनोइड टेंड्स टू डिक्रीज, तो मैं छोटा सा एक फिगर यहां पे बना सकता हूं टू शो यू द डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स। मैं कहूं कि इसमें मान लो कि ऐसे गया है, वाई ऐसे आया है ना, और फिर ऐसे निकला है, ऐसे गया, एंड नाउ यू सी दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड फाइनली the length of the solenoid will decrease। अगर इसमें करंट ऐसे गया, इसमें ऐसा है, हर एक में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो they will attract each other। ओके, सोलेनोइड की कैसे ऐसे। दूसरा चीज में देखेंगे पॉइंट नंबर 2। सोचो हम जानते हैं कि कोई स्ट्रेट वायर के ऊपर उसका अपना मैग्नेटिक फोर्स कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बेंड वायर के ऊपर उसका मैग्नेटिक फोर्स कोई इफेक्ट डालता है। तो चलो सोचते हैं व्हाट हैपेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए रिंग। लॉजिक जान लो, कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या ये रिंग में अगर कुछ करंट जा रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि एक बेंड वायर है। इसका कोई भी करंट एलिमेंट ले लो, सपोज हम ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले ली, ये करंट एलिमेंट ले लो, सिर्फ इसके अलावा बाकी सारा करंट एलिमेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, है कि नहीं? इच एलिमेंट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड हियर, सिर्फ इसके लिए नहीं बनेगा, ये छोटा वाला करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इट इज अलोंग इट्स लाइन, दिस पॉइंट इज अलोंग इट्स लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ एक्शन। ये एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट के लिए बनेगा, कैसे बनेगा? चलो सोचते हैं कि ये कोई एक दूसरा एलिमेंट है, ये कोई एक तीसरा एलिमेंट है, और ये कोई एक चौथा एलिमेंट है। ये सारा एलिमेंट के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा?
ये जो एलिमेंट है इसके लिए मैनिपुलेशन यहाँ पे कैसे होगा देखो तो इट विल बी नोर इसके लिए यहाँ पर मैट फील्ड कैसे होगा इनवर्ड ऊपर वाले के लिए इनवर्ड यू सी ड्यू टू एक्सेप्टिंग दिस ड्यू टू ऑल अदर एलिमेंट्स द मैट फील्ड हियर इज इनवर्ड अगर मैट फील्ड हियर इनवर्ड हुआ तो फोर्स कैसे आएगा आउटवर्ड तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आने वाला है किस डिरेक्शन में द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इज टू बी इन दिस डिरेक्शन तो वैसे ही हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा रिमेंबर ये बोर्ड में तो नहीं आया जेई में आ चुका है मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है मतलब जब रिंग में करंट फ्लो करता है ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड वो अपना एरिया को बड़ा करने की कोशिश करता है अब कम बैक टू द सोलेनोइड तो सोलेनोइड करेगा क्या इट विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया फुलने की कोशिश करेगा फुल जाएगा समझ में आ रहा है इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ट्रांसफार्मर वगैरह में वो कॉइल के ऊपर जोर से बांध देते हैं नहीं तो जैसे करंट फ्लो करेगा वो फूल जाएगा और सारा वायर टूट जाएंगे समझ में आ रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन ये मिला कि दी सोलेनोइड टेंड्स टू इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो क्या करेगा लेंथ को छोटा करने की कोशिश करेगा और एरिया को बड़ा करने की कोशिश करेगा ठीक है पहला वाला अगर 10 बार आया है एंट्रेंस में दूसरे वाला दो बार आया इस रेशियो में आए लेकिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है समझ में आया जब भी हम सोलेनोइड में करंट पास करेंगे द लेंथ विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट एरिया विल ट्राई टू इंक्रीज ये सारा चीज हम लोग अभी देख लिए ठीक है।